हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में हम लोग लेके आए हैं आपके लिए एक आई जो रिसेंटली ओपन हुआ है और इसके बारे में जानेंगे कि इसको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्या इसकी स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है क्या फाइनेंशियल्स हैं एंड एवरीथिंग सो so, चलिए शुरू करते हैं आई का नाम है दी पार्क होटल सो so, पार्क होटल उससे पहले इसकी फुल फॉर्म एपीजे सुरेंद्रा पार्क होटल लिमिटेड ये पूरे कंपनी का नाम है इनकी और भी सारी छोटी छोटी कंपनीज हैं सब्सिडरीज हैं पर जो आज आईपीओ आ रहा है वो दी पार्क होटल इसी का आ रहा है सो so, अगर हम लोग ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें कि कितना प्रीमियम चल रहा है तो हमारा जो जीएम पी चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम वो सिक्स का चल रहा है सो so, हम लोग परसेंटेज वाइज देखें कि कितना चल रहा है तो फोर्टी परसेंट का इसका जीएम चल रहा है एंड अगर हम के पास एक लॉट आपका लगता है एक लॉट का आपके अलॉटमेंट होती है तो उसके ऊपर अप्रोक्स अप्रोक्स फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी टू रुपीज आपको पर लॉट आपको प्रॉफिट हो सकता है सो so, इसके और फाइनेंशियल्स वगैरह इसकी बेसिक डिटेल्स क्या करती है कंपनी उसके बारे में हम लोग जानते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1987 में एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है होटल एज इट ये हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है फोर स्टार फाइव स्टार होटल ये सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करता है सो फोर स्टार फाइव स्टार होटल सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है एंड ब्रांड नेम्स ब्रांड नेम्स जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था ब्रांड नेम्स दी पार्क कलेक्शन जोन कनेक्ट बाय दी पार्क स्टॉप बाई ज़ोन। सो ये सारे इसके ब्रांड नेम्स है चलिए आगे जानते हैं सो थोड़ा और जानते हैं कंपनी के बारे में हम लोग वन ऑफ दी टॉप टेन होटल्स चेन है ये करेंटली इंडिया में एंड स्पेशली इन स्पेश जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया फोर एंड फाइव स्टार होटल ये प्रोवाइड करता है सर्विस एथ लार्जेस्ट इन इंडिया एंड इसकी जो प्रेजेंस है वो पैन इंडिया है ऑल अक्रॉस इंडिया है इंक्लूडिंग एट्टी रेस्टोरेंट नाइट क्लब्स बार्स एंड ऑफ सर्विस हैं सो टू प्लस टू हंड्रेड प्लसिंग है एवरेज so, रूम, रूम रेंट अभी चल रहा है सिक्स थाउजेंड सेवेंटी रूपीज जो की प्रीवियसली टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में रुपीज चल रहा था. Now, अब हम इसके फाइनेंशियल से पहले हम लोग थोड़े आईपीओ डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं कब इसकी अलॉटमेंट खुलेगी एंड एवरीथिंग सो आईपीओ का जो इश्यू डेट है ओपन जो हो रहा है आईपीओ ओपन हो रहा है फेब फेब को को एंड एंड जो जो इसकी closing है, closing इसकी इसकी क्लोजिंग 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 है हो जाएगी अलॉटमेंट है अलॉटमेंट आप लोगों की आपको एथ फेब को मिल जाएगी एंड जो रिफंड है अगर आपको अलॉट नहीं होता है आपका रिफंड इनिशिएट हो जाएगा नाइन्थ को एंड लिस्टिंग लिस्टिंग इज ऑन ट्वेल्थ ऑफ फेब ऑन एन एंड बी So, IP के के डिटेल्स लॉट उसके बारे में हम आपके पास फोर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड एट्टी रुपीज है एक लॉट लेने के लिए तभी आप इसमें लगाएं ओके सो एच एन आई एच एन आई जो कोटा है एच एन आई फोर्टीन लॉट टू वन 1344 लॉट्स वो थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी फोर लॉट हम लोग हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं एंड उनके जो स्टार्टिंग है टू लाख एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज से उनको स्टार्ट करना हुआ है मिनिमम इतने पैसे चाहिए एंड एच एन आई बिग कैटेगरी है जो बिग कैटेगरी है उसमें टू सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी एट लॉट्स वो लोग लगा सकते हैं वो उसकी बेड कर सकते हैं that comes to 10,11,840 ये इतना मिनिमम है बिग एचएनआई क्लाइंट्स के लिए इतना पैसा उनको अकाउंट में चाहिए फॉर द मिनिमम क्वांटिटी बिडिंग सो थोड़ा अब साइज के बारे में हम लोग जान लेते हैं सो टोटल साइज जो कंपनी लेके आ रही है वो 920 करोड़ का लेके आ रही है जिसमें से 600 जो करोड़ हैं वो हमारे बिल्कुल फ्रेश इशू है राइट वो बिल्कुल फ्रेश इशू है एंड जो थ्री ट्वेंटी करोड़ है वो हमारा ओ एफ एस है ओके नाउ क्यू आई बी क्यू आई बी इज सेवेंटी फाइव परसेंट एंड जो रिटेल है रिटेल इज टेन परसेंट क्यू आई बीज इंस्टीट्यूशन के है एंड रिटेल इज योर टेन परसेंट टेन परसेंट कोटा रिटेल के लिए है एंड एच एन आई कैटेगरी एच एन आई इसके लिए फिफ्टीन परसेंट इसका रिजर्व है नाउ प्रोमोटर होल्डिंग की अगर हम लोग बात करें बिफोर आई पी ओ प्रमोटर होल्डिंग वॉज नाइनटी फोर पॉइंट वन एट परसेंट लेकिन अब सिंस आईपीओ आ गया है सो so, आईपीओ में के बाद जो इसकी प्रमोटर की जो होल्डिंग रहेगी वो 68.13% रह जाएगी मूविंग फॉरदर अब थोड़े फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे चल रहे हैं सो रेवेन्यू 2021 में 190 करोड़ था 2022 में ये बढ़कर 267 करोड़ हो गया एंड इन 2023 द रेवेन्यू वाज 524 करोड़ अब असेट्स की बात कर लेते हैं असेट्स कितने हैं कंपनी के ऊपर सो असेट्स इन 2021 1280 करोड़ के थे एंड इन 2022 असेट्स सिक्सटी 1275 करोड़ सो पैट पैट की हम लोग बात करते हैं पैट सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैट स्टैंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सो टू में कंपनी जो थी लॉस में थी माइनस सेवेंटी फाइव करोड़ के नाउ इन 2022 अगेन कंपनी लॉस में थी 28. करोड़ इन 2023 जो इन्होंने अपने होटल जो अपने मिनिमम जो रूम रेंट था वो उसको 6000 किया था प्रीवियसली इट वाज 3000 थाउजेंड यहाँ पे जब वो लॉस में थी नाउ दे मेड इट टू 6000 थाउजेंड रुपीज सो वो 2023 में वो प्रॉफिटेबल हो गए 48.06 एट के साथ सो वर दी वर्ल्स और इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं अब हमने कंपनी के बारे में जान लिया बिजनेस के बारे में जान लिया क्या आईपीओ की थी थी फाइनेंशियल अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके पीयर्स को कंपेयर करते हैं सो पीयर कंपैरिजन से पहले हम लोग कुछ वैल्युएशन रेशियोज पे नजर डाल लेते हैं फ्यू मेजर वैल्यूएशन रेशियोज जो हमें मस्ट है देखने ही है वो है डी डी स्टैंड फॉर डेट टू इक्विटी रेशियो जो कि है पॉइंट नाइन नाइन

कंपनी so, के सो चलेट होटल्स जो 54.38 के पीई पे अभी करंटली मार्केट में ट्रेड कर रहा है लेमन ट्री होटल्स जो 65.3 के पी e. रेशियो पे वो कर रहा है तो चलेट होटल्स मेरेट जो होटल है उसको संभालते हैं आई एम sure श्योर आप लोगों ने सुना होगा एंड लेमन ट्री होटेल्स इसका जो पी e. रेशियो चल रहा है सिक्सटी का चल रहा है पी रेशियो करंटली एंड इंडियन होटल्स जो हमारे ताज है ताज के पैरेंट कंपनी सो 54.82 का इसका पीई चल रहा है करेंटली एंड ई आई एच होटल्स फॉर ईस्ट इंडिया होटल्स सो ये हमारा 41.75 के पीई पे करेंटली ट्रेड कर रहा है सो so, ये ओबरॉय ग्रुप को ओबरॉय जो होटल्स है वो उनका पैरेंट कंपनी है सो दिस वर कंपैरिजन एंड कंपैरिजन में हम लोग देखें तो इनके पेयर्स काफी ज्यादा है कॉम्पिटिटर्स ज्यादा है मार्केट में एंड वो करेंटली काफी अच्छे पी रिलेटिवली इस कंपनी के से थोड़ा नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं रेशियो की जब हम लोग बात करें सो so, अब हम लोग इनके कुछ थ्रेड्स कुछ स्ट्रेंथ्स के बारे में बात कर लेते हैं सो कमिंग ऑन टू स्ट्रेंथ पॉजिटिव स्ट्रेंथ सो स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें सो so, 2021 में हमने देखा लॉस था 2023 में ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई थी नाउ बजट टूरिज्म सपोर्ट राइट ओके सो बजट टूरिज्म है एंड गवर्नमेंट से भी ऑर्डर्स वगैरह गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो भी आके रुकते हैं उनसे भी ऑर्डर्स मिलते हैं हॉस्पिटलिटी में काफ़ी अच्छा नाम है आन बजट में टूरिज्म सपोर्ट सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है आफ्टर कोविड ट्रैवल ये भी काफ़ी बढ़ चुकी है कोविड के बाद काफ़ी ट्रैवल टूरिज़्म इसको बूस्ट मिला है देन इट्स अगेन अ स्ट्रेंथ इंटरेस्टिंग एंड हाई ग्रोथ सेगमेंट सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है हाई ग्रोथ है ग्रोथ काफ़ी है आने वाले टाइम में टूरिज़्म जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी सो so, टूरिज्म सेक्टर विल ऑटोमेटिकली बूम राइट सो सेगमेंट लीडर ऑक्यूपेंसी गवर्नमेंट सो सेगमेंट लीडर है किसमें ऑक्यूपेंसी गवर्नमेंट जो इंप्लाइज है ऑफिशियल्स हैं जो भी कुछ जैसे जी ट्वेंटी मीटिंग्स हैं उनमें ये डेफिनेटली गवर्नमेंट की एक प्रेफरेंस होती है सो नाउ आईपीओ आईपीओ किस लिए एक्सपेंशन का प्लान है और आउटलेट्स खोलेंगे और डिफरेंट होटल्स डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में ताकि कंपनी थोड़ी ग्रो कर सके एक्सपेंशन के काफी प्लान है आईपीओ काफी फेयर प्राइस है ये भी हमारी एक काफी अच्छी बात है सो नाउ नेगेटिव लाइक फॉर कंपनी तो की अगर हम लोग बात करें सो so, साइलिकल है मतलब बिजनेस थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है होटल हॉस्पिटैलिटी थोड़ी डिमांड सप्लाई का थोड़ा ज्यादा इसमें बात रहती है एंड थोड़ा टाइम पीरियड लाइक वेकेशंस में वेकेशंस में समर ऑटम थो, थोड़ा ऊपर नीचे बिजनेस थोड़ा होता रहता है एंड अदर इज ऑपरेशन प्रॉब्लम्स ऑपरेशन प्रॉब्लम्स काफ़ी कंपनी फेस कर रही है ये भी एक हमारा थ्रेट है कंपनी के लिए सो so गाइज हमने देखा कि पार्क होटल जो हमारा आई होने वाला है जो कंपनी है रिलेटिवली अच्छी है सो so, मैं पर्सनली इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करूँगा डेफिनेटली मैं अपना बिडिंग करूँगा एंड अगर आप लोगों को अपने चांसेस बढ़ाने हैं सो तो आपको अपने फैमिली मेम्बर्स डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड से ही आप लोग अप्लाई करिएगा ऐसा मत करिए सेम पैन कार्ड से आप डिफरेंट ब्रोकर में अप्लाई करें देन आपके जो चांसेस हैं वो रिलेटिवली कम हो जाएंगे आप डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड से अप्लाई करिए एंड मिनिमम क्वान्टिटी वन और टू लॉट से करिए जिससे आपके मिलने रही अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी ज्यादा बढ़ जाएंगे इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट अ लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर IPO enthusiast and subscribe this channel for more such informative updates. Thank you.